हेलो माय ऑल बिगनर्स। तो यार आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है साड़ी पहनने में, वो भी बनारसी सिल्क। तो वीडियो को एंड तक देखो, बहुत इजीली आ जाएगी। तो जैसे आप सबको पता है, हमको हमारी साड़ी को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक प्रॉपरली नीड एंड क्लीन तरीके से अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली टक करना होता है, जिससे क्या है हमारी साड़ी भी हम काफ़ी अच्छी लगती है और जिससे हमारा जो सामने है वो भी फूला फूला नहीं रहता है। तो प्रॉपरली अच्छे तरीके से टक करने के बाद हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा साड़ी होगी हम उसको साइड में छोड़ेंगे। उसके बाद हम एक बार और घुमाएंगे, तो उसके बाद जो हमारा पल्ला है हम उसको यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ छोटी छोटी प्लेट्स के साथ। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो। वैसे मैं छोटी छोटी प्लेट्स इसलिए बना रही हूँ थोड़ी सी, ताकि जो हमारा शोल्डर है वहाँ पे भी फूला फूला ना रहे और हमारी जो प्लेट्स है वो भी शोल्डर से ज़्यादा नीचे ना रहे। इस वजह से मैं नॉर्मली बना रही हूँ। देन उसके बाद मैं नीचे ऐसी अच्छे से सेट करती जाऊँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर सेट करके लगाऊंगी क्लिप। क्लिप लगाने से क्या होगा, जिससे मेरी साड़ी है अच्छे तरीके से शोल्डर पे रहेगी और हमारी जो पल्ला है वो भी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद मैं अपनी साड़ी को स्टार्ट करूँगी प्लिट्स बनाना। प्लिट्स बनाने के लिए मैं जैसी प्लिट्स उस बॉर्डर है उतनी ही प्लिट्स बना रही हूँ। देन उसके बाद मैं अपने शोल्डर से उतारूँगी इसको और अच्छे तरीके से प्रॉपरली सेट कर लूँगी, जिससे क्या होगा ना हमारे फ्रंट में आने के बाद हमारा जो पल्ला है वो अच्छे तरीके से बन जाएगा और लुक भी हमारा जिससे काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होकर आएगा। उसके बाद मैं अपने शोल्डर पे अपने जो हमारा पल्ला है उसको रखूँगी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। पल्ला हमें अगर थोड़ा सा भी लंबा होता है जिससे हमारा लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, इस वजह से पल्ला मैं हमेशा थोड़ा सा लंबा रखती हूँ। पिन यहाँ पे मैं लगाऊंगी पिन, और पिन लगाने के बाद पिन हमेशा थोड़ा सा पीछे लगाऊंगी जिससे हमारा पल्ला है वो फ्रंट में ना आएगा और हमारा लुक भी इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देख सकते हो हमारी जो बॉर्डर है हम उसको अच्छे तरीके से प्रॉपरली पल्ले को पूरा सेट करेंगे और मैच करने के बाद ये देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और हमारी जो बॉर्डर है पीछे वाली उसको घुमा कर लेके आएंगे फ्रंट में। उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको टक करूँगी। बॉर्डर जो है हमारा लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे हमारे पल्ले को अच्छे तरीके से। जब इसकी पूरी प्लेट सेट हो जाएंगी उसके बाद हमारे जो बॉर्डर है उसको और थोड़ा सा टाइटली खींचेंगे। फिर उसके बाद जो बाकी जो हमारी जितनी भी बॉर्डर होगी वो जितनी भी हमारी फिटिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। इस वजह से फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी पिन, और मैं हमेशा दो पिन यूज़ करती हूँ जिससे हमारी जो साड़ी की बॉर्डर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहे। और वहीं से मैं अपनी प्लेट्स को उठाऊँगी जो हमारे लिए साइड में हम बना दें, जिससे हमारा लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से थोड़ी थोड़ी सी साड़ी को खींच के प्रॉपरली उठा के यहाँ पे मैं लगाऊंगी पिन, क्योंकि यहाँ से अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा भी छोटे सा मेथड है, लेकिन इससे हमारा जो है लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और उसके साथ साथ हम इसमें स्लिम भी दिखते हैं। यहाँ पे मैं अच्छे जिगजैग स्टाइल में पिन लगाऊंगी ताकि हमारी पिन भी ना खुले और लुक भी हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अच्छे तरीके से इसको सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर हमारी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। प्लेट्स बनाने के लिए मैं बना रही हूँ राइट हैंड साइड से, और यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी प्लेट्स बनाऊँगी जिससे हमारी साड़ी भी अच्छे तरीके से सेटल रहे और उसके साथ साथ हमारी जो साड़ी है वो भी फूली ना रहे, जिससे हमारा लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। और अच्छे तरीके से प्लेट्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्लेट्स को जैसे ही खोलूँगी देख सकते हो हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेट्स बनी, और जितना एक्स्ट्रा साड़ी होगी मैं उसको पीछे ले जाऊँगी। उसके बाद अच्छे तरीके से हमारी प्लेट्स को प्रॉपरली मैच करेंगे हम साथ में। मैच करने के बाद जिससे क्या होगा ना हमारी जो यहाँ पे मुझे नहीं है ज़रूरत कि मैं यहाँ पे अपनी जो प्लेट्स है वो खोलूँ, इस वजह से मैं इसको नहीं खोलूँगी। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मैच करके प्रॉपरली नीचे तक सेट करके मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरी तरीके से देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मैच हो गई। देन इसके बाद मैं इसको एक एक प्लेट्स को और अच्छे तरीके से मैच कर लूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा ना हमारी साड़ी अच्छे तरीके से लुक भी देगी। और यहाँ से मैं दूसरी साइड से थोड़ी थोड़ी हमारी जो प्लेट्स है उसको भी हल्का हल्का सा खींच लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से टक कर लूँगी। मैं इस तरीके से क्या होता है ना हमारी जो प्लेट्स है वो भी सेट रहती हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा जो पीछे साइड की प्लेट्स है ना वो भी फ्रंट में नहीं आती, हमारा लुक भी ख़राब नहीं करती हैं। मैं इसको फिनिशिंग से अच्छे तरीके से टक कर लूँगी, और उसके बाद जितनी एक्स्ट्रा साड़ी हो गई उसको पीछे ले जाकर टक कर लूँगी। और यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से प्लेट्स को मैच कर लूँगी। मैच करने के बाद मैं इसमें एक ये देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हमारा लुक आया है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसा लग रहा है जल्दी कमेंट्स में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।